हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं आलू फ्रेंच। तो देखिए, आलू मैंने छील लिए हैं। तो गाइस प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए बनाते हैं। तो देखिए गाइस, ये मैंने आलू ले लिए इतने और अच्छे से धुल लिया। तो अब आलूओं को काट लेंगे। और तो देखिए, हम आलू को इस तरीके से काट लेंगे। तो देखिए, मैंने सभी आलूओं को काट लिया। अब दो तीन बार अच्छे से धुलेंगे, आलूओं में जो स्टार्च होता है वो बिल्कुल निकल जाए। तो गाइस, अब कढ़ाई में पानी डाल देंगे आलू उबालने के लिए। तो चलिए, आलू को एक बार और धुल लेते हैं। तो गाइस, मैंने आलू भी अच्छे से साफ़ कर लिए हैं, और देखिए पानी भी गर्म हो गया। तो अब आलूओं को डाल देंगे। तो देखिए गाइस, मैंने आलू डाल दिए हैं और अब डालेंगे नमक। तो देखिए गाइस, मैंने नमक डाल दिया है, और अब आलूओं को एक उबाल आने तक पकाएंगे, ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे। तो देखिए गाइस, एक उबाल आ चुका है, और देखिए अब आलूओं को निकाल लेंगे। तो गाइस, मैंने आलूओं को थोड़ा सा पका लिया, और नमक भी अच्छे से मिल जाएगा और आलूओं में थोड़ी लचक भी आ जाएगी। तो ज़्यादा नहीं पकाना है आपको, इतना ध्यान रखना है। तो चलिए, अब आलूओं को पलट लेंगे। तो गाइस, आलूओं को मैंने पलट लिया है 5 मिनट के लिए, सूखने के लिए रखेंगे। आप धूप में भी रख सकते हैं। तो आलूओं में जो पानी है वो बिल्कुल सूख जाए। तो हम आलूओं को फैला के रख देंगे ताकि अच्छे से सूख जाएं। तो चलिए, तब तक मैं कढ़ाई को साफ कर लेती हूँ, चूल्हे पे रखेंगे तेल गर्म करने के लिए। तो गाइस, अब मैं डाल रही हूँ कढ़ाई में सरसों का तेल, आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। तो अब फ्रेंच को फ्राई करेंगे। तो चलिए, तेल गरम कर लेते हैं। तो देखिए, तेल गरम हो चुका है, और अब हम आलूओं को फ्राई करेंगे। तो ज़्यादा तेज़ आंच में नहीं करने हैं, मीडियम आंच रखनी है। तो चलिए, अब फ्राई कर लेते हैं। तो आलूओं को हमें क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है, तो हम एक बार में नहीं, दो बार में करेंगे। तो चलिए, पहले एक बार कर लेते हैं, फिर दोबारा करेंगे, तभी हमारे फ्रेंच क्रिस्पी बनेंगे।
तो देखिए आलूओं को मैंने एक बार फ्राई कर लिया और हम फिर से करेंगे। जब हम दोबारा करेंगे तो हमारी फ्रेंच बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंच का कलर हल्का सा ब्राउन हो चुका है और हमारी फ्रेंच बहुत ही क्रिस्पी बनने वाली है। तो चलिए अब निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारी फ्रेंच बन चुके हैं और देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। तो देखिए अब हम इसमें डाल रहे थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक मैंने पहले भी डाल दिया था। तो चाट मसाला मेरे पास है नहीं, उसकी जगह पे मैं डाल रही हूँ टेस्टी नमक। और ये डाल रही हूँ मैं थोड़ी सी लाल मिर्च, और आप धनिया के पत्ते भी डालना। तो मैंने तो नहीं डाले हैं। तो देखिए हमारे फ्रेंच बन चुके हैं। तो गाइस रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। देव कैसे लग रहे हैं? देव खाए रहे हैं, सही है। तो गाइस आप लोग भी जरूर बनाना। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय।